गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठनों एवं स्कूल स्तरीय संघ को रिवॉल्विंग फंड एवं सामुदायिक निवेश को आजीविका निधि, प्रेरणा कृषि टूल, बैंक जोखिम निवारण निधि का डीबीटी के माध्यम से जिले में 12,39,21,991 रुपए की धनराशि किया हस्तांतरित। समूह की महिला सदस्य नर्मदा से किया संवाद, कार्यों की सराहना। गोरखपुर महोत्सव की तैयारियों के मद्देनजर मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ किया चंपा देवी पार्क परीक्षा गृह एवं महंत दिग्विजयनाथ पार्क का निरीक्षण। कहा, महोत्सव की सभी तैयारियां समय से पूरी कर लें संबंधित विभाग। एसटीएफ ने अंतर्राज्यीय 3 गौ तस्करों को किया गिरफ्तार। गौ तस्करों के पास से 17 बैल, 1 गाय को किया बरामद। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध कोतवाली थाना हाटा जनपद कुशीनगर में की गई आगे की विधिक कार्रवाई। जिलाधिकारी और एसएसपी ने जिले के सभी थानेदारों के साथ जिले के टॉप 10 अपराधियों और हिस्ट्री शीटरों की हिस्ट्री के साथ की गई कार्रवाइयों की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गगहा थाने की पुलिस टीम ने बलात्कार के वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, भेजा जेल, एसपी साउथ ने दी जानकारी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक, विकास कार्यों को समय से पूरा करने के दिए निर्देश। मंडलायुक्त के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने किया निर्माणाधीन 4-लेन सड़कों का निरीक्षण। कार्यों की धीमी गति पर जताई नाराजगी, कहा कमिश्नर को प्रेषित की जाएगी रिपोर्ट। मन बुद्धि महिलाओं के लिए संचालित मात्र छाया संस्था का केक काटकर मनाया गया वर्षगांठ। उत्कृष्ट कार्य करने वालों को किया गया सम्मानित। जिलाधिकारी ने कहा 44 विजित महिलाओं के उपचार के बाद सौंपा गया उनके परिजनों को। महानगर के अंदर स्लीपर एसी बसों के नो एंट्री के बावजूद शहर के पैडलेगंज स्थित चंपा देवी पार्क और पैडलेगंज व नौसर चौराहे पर स्लीपर एसी बसों और डग्गामार बसों की लगी रहती है भरमार। पूछने पर ट्रैफिक के अधिकारियों ने झाड़ा पल्ला। गोरखपुर में शुक्रवार को मिले 22 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 20,637। अब तक 332 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 358 हुए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर अंजुमन इस्लामिया खोनीपुर में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। विभाग के द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के बारे में दी गई जानकारी। एसबीआई के डीजीएम ने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत डीएम को सौंपा एम्बुलेंस। जिलाधिकारी ने एसबीआई के प्रति जताया आभार। बिस्मिल के बलिदान स्थली मंडली कार्यगार पर शनिवार को आमंत्रण देने के दृष्टिगत निकाला गया जन जागरण दोपहिया वाहन जुलूस। गगनभेदी नारे लगाते हुए शहरवासियों को किया गया आमंत्रित। और शुक्रवार को ठंडी हवाओं व गलन ने बढ़ाई नागरिकों की मुश्किलें। ठंड से बचने के लिए लोगों ने लिया आग का सहारा। जगह जगह अलाव जलाकर ठंड से बचते नजर आए लोग।